धूमधाम से मना मकर संक्रांति का त्योहार। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने चढ़ाई खिचड़ी। नाथ संप्रदाय से जुड़े मंदिरों में शामिल महाराजगंज जनपद के चौक बाजार स्थित मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मकर संक्रांति के अवसर पर चढ़ाया खिचड़ी। जैसा कि वीडियो फुटेज में आप आसानी से देख सकते हैं कि मकर संक्रांति के अवसर पर कितनी भीड़ दिख रही है। विदित हो कि योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय भी लाखों श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर और महाराजगंज के चौक स्थित मंदिर के अलावा नेपाल के गोपालापुर में भी खिचड़ी चढ़ाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे। बताते चले कि मेले का आकर्षण झूला भी रहा। छोटे बच्चे झूले का आनंद लिया और मिठाइयां भी खरीदी। जमकर की एक तरफ जहां श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने में लगे हुए थे तो वहीं छोटे बच्चे खिलौने खरीदते भी नजर आए और मुख्य आकर्षण का केंद्र झूला भी झूलते नजर आए। वीडियो फुटेज में आसानी से देखा जा सकता है कि चौक बाजार में स्थित नाथ संप्रदाय के मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी चढ़ाने वालों की भीड़ लगी रही। बताते चले कि अवसर पर इंडो नेपाल सीमा के बंद होने की वजह से थोड़ी भीड़ कम रही और नेपाल के गोपालापुर में भी भारतीय श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए, लेकिन नेपाल से श्रद्धालु भारत आ पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में ही खिचड़ी चढ़ाया और शुभारंभ किया। बाद में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने खिचड़ी चढ़ाया, लेकिन हम बात कर रहे हैं नाथ संप्रदाय मंदिर महाराजगंज के चौक बाजार की, जहां श्रद्धालुओं ने कोविड-19 महामारी और बर्ड फ्लू जैसी बीमारी को नजरअंदाज करते हुए भीड़ में शामिल हुए। जहां तक मेरा मानना है कि कोविड-19 की वजह से जो भीड़ पहले हुआ करती थी वह भीड़ इस साल नहीं देखने को मिली। कोविड-19 के अलावा गलन जैसी ठंड भी इसके पीछे वजह बनी रही। लोग ठंडक की वजह से ठिठुरते देखे गए। महाराजगंज जनपद से संतोष सांवरिया की रिपोर्ट। Thank you.